तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली आप लोगों के लिए Q&A यानी कि क्वेश्चन और आंसर, सवाल आपके जवाब मेरे। दोस्तों आप लोग जो सवाल पूछते हैं उसमें से मैंने कुछ सवाल उठाए हैं और स्टेप बाय स्टेप सब सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है इसमें से कोई सवाल आपके भी काम का हो। मुस्कुराइए और देखते रहिए एंड तक वीडियो को। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? जीवन में आप बिना एम के कोई भी काम करेंगे तो कामयाबी आपसे कोसों दूर चली जाएगी। ये कहावत है लेकिन ये कहावत सही है। तो जीवन में कोई भी काम करिए, उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे ये काम इसलिए करना है। जब आप उसका पीछा करेंगे लक्ष्य का, आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। ये क्वेश्चन इन सर ने पूछा है। इनका क्वेश्चन ये है, वैसे सर सच बताऊं क्वेश्चन बड़ा डेंजरस है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर कह रहे हैं कि मेरे पास तरह तरह के बैंकों के क्रेडिट कार्ड है और मेरा धनी से लोन भी है और इन्होंने होम लोन भी ले रखा है। इनकी सैलरी इतनी थी और अब प्रॉब्लम ये होगी कि इनकी सैलरी भी कट के आ रही है, सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गए हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो आप लोग भी ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा। देखिए, इन क्रेडिट कार्ड में और लोन में और होम लोन में तीन चीज़ें हैं। क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन जो धनी से ले रखा है ये अनसिक्योर्ड लोन है, और एक होम लोन है जो कि सिक्योर्ड लोन है। तो सर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका सिक्योर्ड लोन है आप उसकी EMI को गलती से भी बाउंस नहीं करिएगा, आप कहीं से भी पैसे लाके उसके पेमेंट को करते रहिएगा। आप होम लोन के पेमेंट्स को कभी डिले नहीं करिएगा। उस पेमेंट्स को अगर आप 3 महीने तक डिले कर देंगे तो आपका EMI आपके घर को नीलाम करने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि बैंक के पास सिक्योर्ड लोन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास पूरा अधिकार होता है कि आपके घर को नीलाम कर देंगे और अपने पैसे को ले लेंगे। तो आप इस EMI को कभी भी बाउंस नहीं करिएगा। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन जो कि आपका क्रेडिट कार्ड है और पर्सनल लोन है। तो आपके पास पैसे अगर हैं तो इनका पेमेंट करिए, नहीं है तो मत करिए। अनसिक्योर्ड लोन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन और आता है कि अनसिक्योर्ड लोन में हो सकता है कि आपका बैंक के साथ कोई रिलेशन हो, लाइक आपका उसमें सैलरी अकाउंट हो। सपोज कर लिए HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है और HDFC बैंक का ही आपका अकाउंट है सैलरी वाला, तो इसमें आपके अकाउंट को सीज कर लिया जाएगा क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए। तो आप अगर पेमेंट करने में असमर्थ हैं तो अगर आपका उसी बैंक में जिसमें बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप उस अकाउंट को सैलरी अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा लीजिए, किसी अदर बैंक में सैलरी लीजिए जिसमें आपका कोई क्रेडिट कार्ड लेन देन नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है। तो आपका क्वेश्चन का हल यही है कि भैया ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करिए और अभी जो कमा रहे हैं उससे अपना होम लोन का पेमेंट करते रहिए टाइम पे। और गलती तो आपने बहुत बड़ी कर रखी है कि आपने औकात से ज़्यादा लोन ले रखा है। आपकी सैलरी है इतनी 26,000 और आपने ले रखे हैं 35-40,000 का लोन। तो यही जो चीज़ें होती है ना, बैंक अच्छे सिबिल, मैंने एक वीडियो बनाई है कि अच्छा सिबिल आदमी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, उसका आप उदाहरण है। अच्छे सिबिल पे आपको बैंकों ने क्या क्या दे दिया, इतने सारे क्रेडिट कार्ड दे दिए, इतने सारे धनी से लोन मिल गए, होम लोन भी मिल गया कहीं से जुगाड़ करके। भाई आपने सोचा नहीं था कि आपको EMI देनी पड़ेगी। बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं, अब बुरे दिन में आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप होम लोन का EMI देते रहिए, कोशिश करिए पैसे कमाइए, और जो क्रेडिट कार्ड है या तो डिफ़ॉल्ट कर दीजिए या सेटल करना तो सेटलमेंट कर लीजिए। जैसे बता रखा है कि 50-60% में आपका सेटलमेंट हो जाता है पर्सनल लोन का और क्रेडिट कार्ड का। पर सेटलमेंट के बारे में आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आइए अपने क्वेश्चन को रखिए, मैं और मेरी टीम हेल्प करिए आपको उस सवाल का जवाब देने में जो आप रख रहे हैं।
अगला क्वेश्चन सर ने पूछा है, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था IRCTC का और मिल गया मुझे सिंपली क्लिक SBI का। तो दोस्तों बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ये आपके साथ ही नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ये है कि देखिए, अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने MID में साइन किया होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। 100% नहीं पढ़ा होगा, ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में लोग MID नहीं पढ़ते हैं और उस MID ना पढ़ने की वजह से वो फंस जाते हैं। अब आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने जिस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिला है, तो सरासर ये क्या है, ये वादा खिलाफी है। आपको जो वादा किया गया वो चीज़ नहीं मिला है, तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर दीजिए कि मैंने ये चीज़ के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने ये चीज़ अप्लाई कर दिया। जब तक आपके MID पे आपकी अथॉरिटी वाली साइन नहीं होगी तो लोग दूसरा चीज़ कैसे दे देंगे। आपने साइन किया IRCTC के लिए, मिल गया सिंपली से, तो आपके साइन को टेम्पर्ड किया गया है। MID पे उन्होंने साइन किया जिन्होंने आपको कार्ड बेचा है, तो आप यहाँ पे उन पे 400BC का भी केस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जी, बात ऐसी है, इतना टाइम नहीं होगा। आप क्या करिए, आप SBI को मेल लिखिए, आपने जो चीज़ लेने के लिए अप्लाई किया था वो उनको बोलिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, 3 बार मेल करिए। अगर वो रिप्लाई करते तो वेल एंड गुड है, नहीं अगर कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को CC कर लीजिए, RBI को CC कर लीजिए। RBI वहाँ पे ग्रीवांसेस सेल होती है, उनको बोलिए कि मैंने ये प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया था और मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया है, तो फिर अपने आप बैंक पे एक्शन लिया जाएगा। पहले बैंक को आप मेल करिए, वो मान गए तो ठीक है, वरना RBI अपने आप एक्शन लेगा, यही हो सकता है। यहाँ पे तो सरासर साइन टेम्पर्ड वाली बात है, वादा खिलाफी वाली बात है कि आपने क्या प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया और आपको उन्होंने क्या दे दिया। MID में साइन किया जाता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, तो मतलब जब चेंज हो गया वहाँ पे तो आपने जो साइन किया वो साइन अब नहीं है, वो जिन्होंने कर दिया उनकी साइन है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर करना चाहें, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है। देखिए आम जनता, हम और आप बैंक से बहुत डरते हैं, कोर्ट कचहरी से बहुत डरते हैं। आज कल सारी चीज़ें जो हो गई ना ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आ गई है, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे ऑनलाइन प्लेटफार्म पे तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट मेल मैसेज करके अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करा के उस पर एक्शन ले सकते हैं, उनका फॉलोअप ले सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। जो गलत है वो गलत है, गलत के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो लोग भी साथ देंगे जो उस काम को करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसान ने पूछा है कि इनके कार्ड पे जबरदस्ती का CPP प्लान लगा दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको अनवांटेड एक चीज़ बेच दिया है क्रेडिट कार्ड पे। CPP प्लान यानी कि कार्ड प्रोटेक्शन प्लान के नाम पे इनसे 3,000 रुपये ले लिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि कैसे ये वेवअप करा सकते हैं। सर और आप लोग इस आंसर को ध्यान से सुनिए, CPP प्लान यानी कि कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, क्रेडिट कार्ड सेल करने के बैकएंड वाले आपको सेल करते हैं, या कार्ड बनने के बाद आपके डाटा पे कॉल करके आपके कार्ड पे वो प्लान बेचा जाता है, आपको बताया जाता है। कार्ड प्रोटेक्शन प्लान एज ए टर्म इंश्योरेंस होता है कि कार्ड में कोई फ्रॉड होगा, कोई मतलब अनवांटेड परचेजिंग हो जाएगी, या कार्ड लॉस्ट हो गया, या कार्ड से ऐसी परचेजिंग होगी जो आपने किया ही नहीं है, तो उन सारी चीज़ों पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, इसलिए CPP प्लान को वो लोग सेल करते हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर लेता है क्रेडिट कार्ड से, तो फिर आपको CPP वाले उसकी भरपाई करते हैं। कैसे होता है ऑनलाइन ठगी, इस पर ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपके काम की चीज़ है CPP प्लान, टर्म इंश्योरेंस की तरह होता है, और CPP प्लान एक इंश्योरेंस होता है, तो इसको भी RDA के थ्रू ही गाइडलाइन बनाई जाती है और वही इसका रिकॉग्नाइज अथॉरिटी होती है। तो हर लोन में आपको मतलब इंश्योरेंस सेल किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड में आपको CPP प्लान सेल किया जाता है, तो इसमें आपको रिव्यू पीरियड होता है 9 से 10 दिन का। आपका जब ये आ जाता है तो आपके पास अथॉरिटी होती है कि अगर वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उस सर्विस को डीएक्टिवेट करा सकते हैं। पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है, तो बैंक वाले को आप कॉल करेंगे, सर्विस अच्छी नहीं लगी तो आपके पैसों को आपके क्रेडिट कार्ड में ही क्रेडिट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, CPP प्लान लिया तो उसका कस्टमर केयर को कॉल करिए,
यहाँ पे भी कॉल करने के बाद सर्विस डीएक्टिवेट हो जाती है, नहीं अगर होता है तो फिर आगे अथॉरिटी को आप मेल वगैरह करके इस सर्विस को डीएक्टिवेट करवा के अपनी जो टाइम की हानि होती है उसके खिलाफ भी कंपनसेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी वादा खिलाफी वाली बात हो सकती है कि आपको ज़बरदस्ती दे दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता, आपको कॉल के समझाया जाता है, लेकिन उसका कॉलिंग का तरीका ऐसा होता है कि जो आपको समझ में नहीं आता है और आप हाँ 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 करते हैं और हाँ हो जाता है। आप मेल करिए, सीपीपी वालों को कॉल करिए, मेल सबसे अच्छा होगा। आपके पास भी अगर कोई क्रेडिट कार्ड में बैंक ने सीपीपी प्लान ठोक दिया या चेप दिया, चेपना कहते हैं ना, तो आप भी इसको वेवअप करवा सकते हैं या डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर ने पूछा है कि सर सवाल है ये कि इनका कार्ड अनब्लॉक हो गया है, कोई क्रेडिट कार्ड होगा पिन जनरेट करने में अनब्लॉक हो जाता है या फिर मतलब कोई अनवैलिड ट्रांजेक्शन पे कार्ड ब्लॉक हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड को अनब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक हो गया है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये मेरे दायरे का सवाल नहीं है। क्रेडिट कार्ड बैंक की एंटिटी होती है, आपको बैंक देता है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो भी इंटरनली चीज़ें होती है जैसे पिन जनरेट करना हुआ, कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक हुआ, या आपका कॉन्फिडेंशियल को मेल चेंज करना हुआ या मोबाइल नंबर चेंज करना हुआ, ये हमारी अथॉरिटी नहीं होती है, ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी होती है। आप उनको कॉल करते हैं, वही आपके कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, आपके पिन को चेंज करने में आपको लिंक्स भेजते हैं, आपका मेल चेंज करने के तरीके बताते हैं, तो ये बैंक की पॉलिसी में है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो आपको कस्टमर केयर से बात करना है। कस्टमर केयर से कैसे बात किया जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने हर बैंकों के लिए अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कस्टमर केयर को कैसे कॉल करना जाता है। आप इनका कार्ड HDFC का है तो इन्होंने बोला कि मेरा HDFC का कॉल नहीं लग रहा है, तो मैं आज आप लोगों को HDFC का एक यूनिक नंबर देने जा रहा हूँ जिस पे आपका डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। ये जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है इस पे आप कभी भी कॉल करिए, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपका कॉल लगेगा, इसमें IVR की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कॉल आपका लग जाता है, आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और कस्टमर केयर से बात करके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, वो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्लॉक अनब्लॉक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो आपको अपने बैंक से बात करना है, उसमें बैंक ही आपकी हेल्प करेगा कि कार्ड को आपका कैसे वो अनब्लॉक या ब्लॉक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, और www.ahktips.com पर विज़िट करिए, कुछ महत्वपूर्ण ब्लॉग उस पर लिखित रूप में आपको मिलेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाल, लोन के जाल में फंसे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मैक्सिमम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, बैंक को क्या फ़ायदा होता है, इस टाइप के सवाल अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो वह ब्लॉग जाके पढ़िए, आपको बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे जिससे आपकी जिज्ञासाओं की क्लियरिफिकेशन होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट्स में मत लिखिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखिएगा। कमेंट्स पे आप वो सवाल रखिए जो कि लोगों के भी काम का हो, आपके सवाल से लोगों को भी कुछ ज्ञान मिले, मैं आंसर वहीं पर दे दूँगा। कॉन्फिडेंशियल होगा तो आपको इंडिविजुअली देना पड़ेगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है, कोरोना अभी ज्ञानी, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। गुड नाइट, मिलते हैं फिर, बाय बाय।